नमस्कार, मैं रुकमणि। आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सिटी स्टाइल एंड को स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। मंगलवार से पूरे बंगाल के साथ शिल्पांचल में सभी माध्यमिक परीक्षा की शुरुआत हुई। इस दिन ट्रैफिक व्यवस्था से दिल रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क दिखी। वहीं दूसरी ओर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर रेट की ओर से सभी छात्र छात्राओं को फूल और पेन देकर परीक्षा की शुभेच्छा दी गई। बर्नपुर बॉयज स्कूल में पुलिस कमिश्नर LN मीना ने सभी छात्र छात्राओं को फूल और पेन देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। সবাই লাইনে যাও, লাইনে যাও। वहीं दूसरी ओर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक PBSL ALCC की ओर से सभी छात्र छात्राओं के बीच शीतल पेयजल और पेन वितरित किया गया। यहां दानिश अजीज, हितेश जा, मोइनक दास, फिदा हुसैन, अपूर्व सहित कई लोगों ने छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी। पेन ले ले भाई, पेन ले ले, पेन पानी का बोतल। बाबू लोग बेस्ट ऑफ लक अच्छे से एग्जाम दे रहा है। जल्दी मिल गया हितेश, सब भाई लोग आ गया। आज पश्चिम बर्धवान स्टूडेंट लाइब्रेरी कोऑर्डिनेशन कमेटी के तरफ से आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 के तरफ से जौहर मल स्कूल के बाहर में सभी छात्रों को माध्यमिक एग्जाम के लिए पेन और पानी का बोतल देके ये उसके हौसला को अफजाई किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हौसला को अफजाई किया गया कि वो अच्छे से एग्जाम दे और अपने भविष्य में तरक्की करें और आसनसोल का नाम आगे बढ़ाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खुशहाल भविष्य के लिए स्वस्थ आंखें बेहद जरूरी है, तभी तो नयन आई हॉस्पिटल आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करती आ रही है। फिको स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार रॉय, आशीष कुमार बसु, डॉक्टर अनिल किशोर नाग की देखरेख में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, माइक्रो सर्जरी, फिंको ऑपरेशन, आंखों के ऊपर झिल्ली का इलाज, नेत्र नाली ऑपरेशन, आंखों का ई स्कैन और बी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस भी पाए जाते हैं। तो आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो अवश्य आए नयन आईस हॉस्पिटल, GT रोड, CT टावर, मनोज सिन्हा के निकट, कुमारपुर, आसनसोल। Fashion Plaza. Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. Fashion Plaza, Asansol Galaxy Mall में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की जेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेश कीमती मसनुआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, थर्ड फ्लोर गैलेक्सी मॉल। एक तो ठंड,
ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी पर कहाँ। वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपए में जींस खरीदे या 250 रुपए में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए, साथ में है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट, और 300 रुपए की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड, जीटी रोड, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इंफोकॉम में। एसके इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना एसके इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। रामनगर कॉलोनी के द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग को स्थानीय ग्रामीणों ने बंद करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीण इलाके के अंदर ब्लास्टिंग करने के कारण कई घरों की छतें तथा दीवारें टूट गई हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों की जानें भी जोखिम में पड़ गई हैं। कोलरी प्रबंधन को कहने पर वो अपना पल्ला झाड़ ले रही हैं। दूसरी ओर वृक्षों को भी काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहे हैं। दुकान में है, हम ब्लास्टिंग में बैठे हुए हैं क्या? ये हम রামনগর ম্যানেজমেন্ট জোর জবরদস্তি বাড়ি থেকে 80 মিটারের মধ্যে মানে ব্লাস্টিং করছে, বাড়ি ঘর ফাটল ধরে যাচ্ছে, যে কোনো দিন মানে দুর্ঘটনা বড় ঘটে যাবে, কিন্তু এর দায় কে নেবে? ওরা তো পিছিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কোনো কাগজে সাইন করছে না, আমরা কোনো মেডিকেল ফেসিলিটি আজ পর্যন্ত পাই নাই। মোটামুটি এক মাস আগে ব্লাস্টিংয়ের টাইমে একটা বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে, কার্নিশ ভেঙে পড়ে দাদার মাথায় পড়ে গেল, কিন্তু তার দায় কোম্পানি নিল না। কোম্পানি বলছে আমরা নিজে থেকে ছাদ দিকে ইটাটা ফেলে দিয়েছি, মানে কেসটা আমাদেরকে ঘুরিয়ে দিল। তারপরে ওই টাকাটা আমরা কমসে কম নিজের পকেট থেকে 10,000 টাকা 15,000 টাকা খরচা করে এজিএলজি হসপিটালে চিকিৎসা করালাম, তার কাগজে এখন আমার কাছে আছে। বাড়ির পেছনে 50-80 মিটারের মধ্যে কোম্পানি হাজার হাজার গাছ কেটে দিচ্ছে, কোনো গ্রিন ট্রাইব্যুনালের অর্ডার মানছে না। গ্রিন ট্রাইব্যুনাল কলকাতা কোম্পানিকে অর্ডার দিয়েছে গাছ লাগাচ্ছে না, উল্টা গাছ কেটে দিচ্ছে। মানে এইভাবে চলতে থাকলে আমরা এখানে পরিবেশের এত দূষিত হয়ে যাচ্ছে, আমরা মারা যাবো। বন্ধ আছে, ব্লাস্টিং প্রোডাকশন সব ডুবুটি কোয়ারি আছে, আমাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হোক, কেন এখানে থাকার পরিবেশ নাই। বাড়ির সামনে ডুবুটি কোয়ারি, বাড়ির পেছনে সালানপুর কোয়ারি, হাজার হাজার গাছ কেটে দিয়েছে 100 মিটারের মধ্যে সালানপুর কোয়ারি, ওখানে প্রতিদিন মানে হাজার হাজার গাছ কেটে দিচ্ছে, জোরে জোরে ব্লাস্টিং হচ্ছে, যে কোনো টাইম দুর্ঘটনা বড় ঘটে যাবে, আমরা মানে বাড়ি চাপা পড়ে মারা যাবো। গাঁও বাহার যাই,
ब्लास्टिंग एरिया से बाहर जाइए, बोले कि ब्लास्टिंग एरिया से आप लोग बाहर जाइए। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इंफोकॉम कोहिनूर अपार्टमेंट। आज के लिए बस इतना ही, कल इसी समय इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।